प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डेमोंस्ट्रेटिव प्रूफ पढ़ा पास्कल्स लॉ का। उसका एप्लीकेशंस बहुत सारा है, हाइड्रोलिक मशीन्स है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक जैक है, हाइड्रोलिक जो हमारा ब्रेक्स है, इसमें जो है इसका पूरा पूरा इस्तेमाल होता है। तो ऐसी स्थिति में हम पिछले वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि क्या हो सकता है क्या कि किसी एक व्यक्ति जैसे आप खुद हो या मैं हूँ, अगर इसका जो भी हमारा वजन है, अगर वह उस वजन से क्या आप किसी छोटे मोटे व्हीकल जैसे कार हो, क्या उसको आप लिफ्ट कर सकते हैं क्या? आइए हम इसका जो हम लोगों ने डेमोंस्ट्रेटिव प्रूफ पढ़ा था पास्कल्स लॉ का, उसी का इस्तेमाल जो है हम लोग आज करते हैं या देखते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है। आइए उसके लिए हम लोग एक रफ डायग्राम बनाते हैं। एक छोटा मोटा जो सर्विस स्टेशन होता है ना, जो फोर व्हीलर का, जहाँ पर हम उसको कार वॉश होता है या जो उसकी कार को ऊपर उठा देते हैं फिर नीचे से उसको वॉश करते हैं, तो उसी तरह का कुछ सिस्टम हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं बनाने का। चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, एक इसी तरह का एक लिफ्ट बनाने का प्रयास करते हैं। ओहो, थोड़ा सीधा हो जाए, करेक्ट। एक इधर से तो हम नैरो एंड ही लेंगे और इसे हम आगे बढ़ाकर थोड़ा सा वाइडर एंड इसका हम लोग ले लेंगे। अब इसके अंदर में मान लेते हैं, यहीं पर रख लेते हैं हम लोग, एक यहाँ पर इसको लॉक कर दिया और यहाँ तक इसी लेवल में मान लेते हैं, इसको ऐसे है कोई बात नहीं। इसी लेवल पर यहाँ पर एक अलग पिस्टन मैंने बना दिया, ओके। इस पिस्टन पर चलिए आइए एक और इस तरह का एक सिस्टम लगा देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम एक कार को खड़ी कर देते हैं, ठीक है। कार आप देखिए किस तरह बनेगा, मुझे नहीं पता, आप बेहतर बना सकते हैं कार। ये आइए, ये लगता है कार की तरह, ये लीजिए मैं खिड़की भी बना देता हूँ, कार की तरह हो गया। और यहाँ पर क्या करते हैं, मैं आपको खड़ा कर देता हूँ, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पर हम जैसे ही खड़ा होंगे, अब इसके अंदर में इनकम्प्रेसिबल लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। आइए इनकम्प्रेसिबल लिक्विड यहां पर भरा हुआ है, तो इस कार को कैसे हम उठा सकते हैं? चलिए ये इसमें हाइड्रोलिक जैक के बारे में हम लोग आज देख रहे हैं, करेक्ट। मान लेते हैं आप खड़ा है या कोई एडल्ट ह्यूमन बीइंग अगर यहां पर है, तो इसका हम मान लेते हैं ये 60 kg का है। इस चीज को समझना है, इसका मास कितना है 60 kg, और इस जगह का जो एरिया है इसका एरिया हम मान लेते हैं 0.2 meter square, ठीक है। इसका आप मान लीजिए, इसको हम लोग मान लेते हैं एरिया इसका 2 meter square। देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी हमारा बनता है कि क्या हम देखते हैं कि कितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इस पास्कल्स लॉ का इस्तेमाल करके फोर्स को, जिससे कि हम अपने वजन से क्या कोशिश करते हैं कि क्या कार को हम लिफ्ट कर सकते हैं। लेट अस से अब 60 kg यहाँ पर मास है, तो ये हमारा इस पर इस बॉडी के द्वारा कितना वेट लग रहा है, फोर्स हमारा कितना लग रहा है, तो फोर्स बराबर कितना होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.8 meter per second square। तो 9.8 की जगह पे चलिए हम अपनी सुविधा के लिए हम 10 ले लेते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 600 newton। तो 600 newton का हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, फोर्स यहाँ पर अप्लाई किया इस पिस्टन पर, तो यहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट हुआ, इस एंड पर क्या हुआ प्रेशर एग्जर्ट हुआ, तो प्रेशर कितना हो गया, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया में फोर्स हो गया हमारा 600 newton बाय एरिया हो गया 0.2 meter square, यानी ये कितना हो गया हमारा
6000 बाई 2 यानी हो गया 3000 पास्कल। कैलकुलेशन आप देख लेंगे, ठीक है। ये नैरो एंड है, ये ब्रॉडर एंड है। यहां पर मेरे या आपके या किसी भी एक व्यक्ति जब यहां पर खड़ा होता है जिसका कि मास 60 केजी है, यानी जिसका वेट 600 न्यूटन है, अगर वह यहां पर खड़ा होता है इस नैरो एंड पर, मान लिया हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि इस नैरो एंड का एरिया जो है वो 0.2 मीटर पर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, तो यहां पर प्रेशर एग्जर्ट होगा इस पिस्टन के द्वारा। तो प्रेशर हमारा कितना हो गया, फोर्स बाय एरिया, फोर्स हमारा हो गया 600 न्यूटन बाय 0.2, तो 0.2 क्या हो जाएगा, ये डेसिमल स्ट्राइक आउट करेंगे तो जीरो ऊपर आ जाएगा, 6000 बाय 2, तो हम लोग स्ट्राइक आउट कर दिया इसको, तो ये आ गया हमारा 300 पास्कल। तो यहां पर इस एंड पर प्रेशर कितना एग्जर्ट हो रहा है, 3000 पास्कल। अब यही प्रेशर गेट्स ट्रांसमिटेड अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अगर आपको याद होगा तो, कि इनक्लोज्ड इनकंप्रेसिबल इन अ कन्फाइंड लिक्विड प्रेशर एग्जर्टेड एट एनी पॉइंट इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड यूनिफॉर्मली। तो यही 3000 पास्कल यहां भी, 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 और यहां पर भी जो प्रेशर एग्जर्ट होगा, ये प्रेशर कितना होगा, 3000 पास्कल। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ हमारा प्रेशर एग्जर्ट कितना होगा यहां पर। तो अब हमें यह देखना है कि यहां पर फोर्स कितना एग्जर्ट किया जा पा रहा है, फोर्स यहां पर कितना एग्जर्ट करता है। तो फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होगा प्रेशर इनटू एरिया। आइए, प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर हमारा है 3000, एरिया है 2, तो कितना हो गया प्रेशर, 3 टू या 6000 न्यूटन। अब देखिए, तो कमाल हो गया, ये हो गया 6000 न्यूटन, यानी 600 न्यूटन का हम अगर यहां पर फोर्स लगाते हैं तो वैसी स्थिति में कितना हो जाएगा, ये 6000 न्यूटन का फोर्स यहां पर एग्जर्ट होगा, 6000 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट होगा। इसका मतलब अगर इस कार का वेट है 600 केजी, सॉरी मास है अगर कार का 600 केजी, तो इसको हम लोग 60 केजी मास वाले सब्सटेंस से हम इसको लिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये 6000 न्यूटन ऑफ फोर्स जो है ये सफिशियंट नहीं है इसको उठाने के लिए, तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे पता है, इसको और थोड़ा सा ब्रॉडर कर देंगे, ब्रॉडर कर देंगे, यानी अगर हम यहाँ का एरिया अगर हम मान लेते हैं 4 मीटर स्क्वायर लेते हैं, जरा गौर कीजिएगा, 4 मीटर स्क्वायर लेते हैं, तो हमारा यहाँ पर फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12000 न्यूटन। माय गॉड, 12000 न्यूटन हो जाता है। वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि 1200 केजी वाला अगर कार है तो उसे हम 60 केजी वाला मनुष्य उस कार को जैक के द्वारा इसे लिफ्ट किया जा सकता है। बात समझ में आ गया। तो इसी सिद्धांत पर, इसी रूल पर, इसी लॉ पर जो है हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक जैक और बहुत सारे ऐसे हाइड्रोलिक जो है मशीन जो है वो फंक्शन करते हैं। अगर आप इसको समझ गए हैं तो इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं, वो आपने, आप जो भी टेक्स्ट बुक है, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, किसी भी किताब से अगर आप पास्कल्स लॉ से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल्स अगर आप बनाते हैं, आप अवश्य बनाएं। अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल्स, व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ, यू जस्ट कमेंट इन द इन माई कमेंट बॉक्स और डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। थैंक यू।